यूक्रेन में जंग का 1.5 महीना बीतने के बाद पुतिन ने इस जंग का जिम्मा अलेक्जेंडर द्रुबनिकोव को दिया। द्रुबनिकोव रूस की फौज के सबसे बदनाम अधिकारी, वो दुनिया भर में बदनाम है अपनी बेदर्दी और बेरहमी के लिए, यहां तक कि उन्हें सीरिया का कसाई तक कहा जाता है, जिसकी वजह बने सीरिया में उनके कुछ ऑपरेशन। 2016 के बाद से द्रुबनिकोव सीरिया में रूस की फौज के ऑपरेशन की अगुवाई कर रहे थे। आरोपों के मुताबिक रूस की फौज ने जनरल द्रुबनिकोव की अगुवाई में कुछ बड़े हमले किए। इसमें केमिकल हमलों के अलावा बेहद ही खतरनाक हवाई हमले भी शामिल थे। कहा जाता है कि इन हमले में हजारों लोगों की जान गई, लेकिन इससे बेपरवाह जनरल द्रुबनिकोव ने ये हमले बदस्तूर जारी रखे। द्रुबनिकोव रूस की फौज के सबसे बेरहम जनरल की पहचान रखते हैं। कहा जाता है कि द्रुबनिकोव के हाथ हजारों बेगुनाहों के खून से रंगे हैं, लेकिन इस बार उनका नाम चर्चा में इसलिए है क्योंकि पुतिन ने उन्हें बड़ी जिम्मेदारी दी है। उन्हें यूक्रेन में चल रहे रूस के स्पेशल ऑपरेशन की अगुवाई का जिम्मा दिया गया है। और जैसे ही ये खबर बाहर आई, अमेरिका समेत दुनिया के कई बड़े देशों को यूक्रेन में नरसंहार का डर सताने लगा। अमेरिका ने तो आरोप लगाया कि सीरिया में जो काम द्रुबनिकोव ने किया, वही करने के लिए उन्हें यूक्रेन भेजा जा रहा है। इसके अलावा कहा यह भी जा रहा है कि यूक्रेन की जंग में लग रहे वक्त से रूस का सब्र जवाब देने लगा है, इसीलिए पुतिन को द्रुबनिकोव की याद आई। आशंका यह है कि अब यूक्रेन में रूस की फौज पहले से ज्यादा बेरहम हो जाएगी। शुक्रवार को यूक्रेन में एक रेलवे स्टेशन पर रूस की मिसाइल से हमला किया गया था। हमले में 52 लोगों की मौत की खबर है। दावा यह है कि इस हमले के पीछे भी नए जनरल का ही दिमाग था। हमला इतना जोरदार था कि किसी को संभलने तक का मौका नहीं मिला। कहा गया कि इसी स्टेशन से कई लोग पश्चिमी यूक्रेन की तरफ जाने की कोशिश कर रहे थे। रूस को खबर मिली कि इनमें कुछ फौज के अफसर हो सकते हैं, जिसके बाद आम लोगों की परवाह किए बिना स्टेशन पर मिसाइल दाग दी गई। हालांकि ये साफ नहीं है कि स्टेशन पर मिसाइल दागने का फैसला द्रुबनिकोव का ही था, लेकिन द्रुबनिकोव काम करने का तरीका कुछ ऐसा ही बताया जाता है। लेकिन द्रुबनिकोव का मुकाबला यूक्रेन के एक ऐसे अफसर से होगा जो चुपचाप अपना काम करने में यकीन रखते हैं। यूक्रेन की फौज के चीफ एक ऐसे अधिकारी हैं जो कम हथियार होने के बावजूद रूस की फौज को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचा चुके हैं, और अब तक रूस की फौज के कई बड़े अधिकारियों का खात्मा कर चुके हैं। वालेरी ज़ेलेंस्की यूक्रेन की फौज के कमांडर इन चीफ हैं, जो अपने देश में जंग के हर मोर्चे को रूस से बेहतर समझते हैं। अगर पुतिन के भरोसेमंद और सबसे करीब जनरल द्रुबनिकोव हैं, तो ज़ेलेंस्की ने ज़ेलेंस्की को जंग की पूरी जिम्मेदारी दी है। जंग में अब तक रूस की फौज के 19,500 सैनिकों के ढेर होने की खबर है। मतलब ये कि यूक्रेन में अब ज़ेलेंस्की और द्रुबनिकोव की सीधी जंग होगी। दावा यह है कि अब रूस इस फौज को जल्द से जल्द खत्म करना चाहता है, इसीलिए पुतिन ने अपने सबसे भरोसेमंद और सबसे खूंखार जनरल को मोर्चे पर तैनात किया है।